पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। एक वीडियो आपने पहला देखी है, ताई आरोप लगा रही है कि उसकी बहू ने उसके बेटे की है जो है उस केस में गवाह बनाई गई है बेटी, क्योंकि ताई का कहना है कि बेटी ने आंखा तक देखा है, क्योंकि तीन बच्चे थे, बड़ी वाली बेटी और छोटा बेटा उसने जो इनके पुत्र वधु उसने इनके पास उड़ा दिया था, जो एक बीच वाली बेटी है वो यहाँ सोई थी और बेटा नहाने के बाद इसको उठाया था। बाकी इस गुड़िया तक पूछेंगे कितनी बात हमसे चाहिए। कैसे हो गुड़िया? मेरा नाम जोयल है। मेरा नाम है जोयल। अच्छा अच्छा, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। अच्छा बेटा, सच सच बताइए, दादा दादी ने शिकार किया है या आपने खुद देखा? मैंने खुद देखा है। तो बेटा आपने तब क्यों नहीं बताई ये बात? तब मम्मी ने मुझे डरा रखा था, अगर ये बात किसी को बता दी तो तुझे भी मार दूंगी जैसे तेरा पापा मार दिया है। आपने देखा पापा को मारते हुए? हाँ। कहाँ थे आप? मैं यही बैठी थी सोफे पर, जहाँ मैं अभी बैठी हूँ। अच्छा, टाइम का तो नहीं पता। अच्छा, रात थी या दिन था? रात थी। रात थी, क्यों है बेटा? स्टार्टिंग का बताओ थोड़ा। जब पहले पापा घर आए ना, जब मैं अंदर सो रही थी, पापा की आवाज से मैं उठ गई थी ना, जब मैं भागी भागी पापा के पास आई, पापा ने मैं गोदरी उठा ली, पापा इस कमरे की चौखट में खड़े हो गए। पापा की आवाज़, पापा रोना कर रहे थे? नहीं, पापा बोले थे मोनिका, पापा थोड़े ठाडू बोलते थे इसलिए मेरी आवाज नींद। हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या हुआ बेटा? वो आए पापा, फिर पापा इस कमरे के चौखट में खड़े हो गए मैंने गोदी लेकर। हाँ, फिर मैम ये वाली खाट यहाँ पे डल रखी थी, चार पाई यही वाली। हाँ, ये मम्मी वो यहाँ पर मम्मी लेटी थी, लाइट बंद थी, कुछ नहीं दिख रहा था, मम्मी का मुंह मुंह दिखा था। अच्छा। फिर पापा ने मम्मी से गर्म पानी मांगा, मम्मी ली आई ना, जब पापा ने सारा पानी पी लिया ना, मम्मी अंदर चली गई ग्लास रखने के लिए, पापा ने मुझे उतार के कहा जा बेटा अंदर जाके सो जा। जब मैं अंदर गई ना, मम्मी काट की अलमारी का ताला खोल कर वो जो वेपन नहीं होती है गन, यहाँ पर टांग ली अपनी। अच्छा। और फिर पापा के सामने चले गए, मुझे लगा पापा से दे रही है, मैं पैसे मांग लूँगी। फिर मैं भी वहाँ से आकर यहाँ पे बैठ गई बंद में। आपने दे रहा में दी? नहीं, सोफा थोड़ा यहाँ से था। अच्छा अच्छा। मैं थोड़ा पास में ही नहीं बैठी थी। फिर मैं मम्मी ने एक हजाती पैर का दूसरे से वहाँ से गन निकाली और मार दी, पापा पीछे गिर गए। फिर आपने रुका नहीं मारा? नहीं। क्यों? मैं घबरा गई थी। अच्छा, आपने उम्मीद नहीं थी ऐसा कर सका कोई? बेटा ये बात किसी ने शिकार किया? सच में आपने देखा है? मैंने सच में देखा है। लेकिन पुलिस तो कह रही है, आंटी कह रही है कि आप शिकार क्यों ऐसा कुछ कह रही है, इतने दिन पाछे बोली पहले क्यों नहीं बताया बेटी ने? क्योंकि मम्मी ने मुझे डरा रखा था वेपन लगा के छाती पर, अगर ये बात किसी को बता दी तो तुझे जैसे। जब पापा यहाँ गिरे फिर क्या हुआ बेटा? फिर पापा का गेट का सर लग गया। अच्छा। मम्मी ने वहाँ पर तकिया लगा दिया, फिर पापा गाल की तरफ जैसे रखने लगे ना, मम्मी ने लात मारी, फिर पापा उसी तरफ हो गए वापिस। अच्छा, पापा ने बोला नहीं बचाओ बेटा कुछ करो? कुछ नहीं बोला। सरकने लगे थे पापा? हाँ। फिर मैं भागी ना दादा को बुलाने के लिए। हाँ। दादा परले घर में थे। मैं भागी ना, मैं गली पे पहुंच रही थी, इससे पहले मम्मी आई और मेरी छाती पे वेपन लगा के बोली अगर ये बात किसी को बता दे तो तुझे भी मार दूंगी। कहाँ लगाई आपका वेपन? कहाँ थे जब आपका वेपन लगाया? आप कहाँ खड़े थे? मैं अभी इस घर के सामने ही खड़ी थी। बाहर? हाँ। गली में लगाई थी? कोई नहीं था उस टाइम पे गली में। अच्छा। कुत्ते अशोक भी मेरा, पिसा भी मेरा, अशोक भी मेरा, पिसा भी मेरा। अच्छा, अशोक का चीचा है। अच्छा, यह बात बोली है पापा ने? हाँ। पापा ने नहीं। मम्मी ने? हाँ। मम्मी ने। ठीक है बेटा, तो देख लो यह बच्चा मतलब सच कह रहा है झूठ कह रहा है, भाई कितनी सच्चाई लगा इस बच्चे की बात में, किसी किसी क्या इलाका है या इसने सच में ही देखा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जब स्त्रियाँ की चौखट पर बच्चा खड़ा हो जाए कि एक का ना माँ है एक का ना बाप, पर उनमें भी स्त्रियाँ के रिश्ते आ जाएँ कि खून का प्यासा एक दूसरा का हो जाए, तो बच्चा कहाँ जाए, किसने अपना संरक्षक मानेगा? तो यह जो घटना है क्या बच्चा के दिल में तो कभी निकल पाओगे? अगर यह सच में ऐसी घटना हुई है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। बाकी एक बात और निकल का ये बेटा श्यामी, अगर तो गिरा होगा बेटा, फिर मम्मी ने एक बनियान अंदर से लाई पापा की और उससे सारा खून साफ कर दिया। अच्छा, फिर वो बनियान कहाँ गई? बनियान बेड में रख दी थी, दादो को मिली थी बनियान। मिल गई थी फिर? हाँ। बेड में छुपा दी? देखी आपने मम्मी? हाँ।
तब नहीं मम्मी ने कहा आप वहां बैठ जाओ, यहाँ मत आओ। वीडियो देखो आपने सारी देख ली है। अब हाल फिलहाल बबने आन कहाँ बेटे? वो पता नहीं कहाँ है, दादा को पता होगी। दादा ये कह रहे हैं कि पुलिस में दे दी है। तो वीडियो देखो आपने सारी देख ली। इस बेटी के बयान में कितनी सच्चाई है कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद जय हरियाणा।